एक मिनट खड़ जो खड़ जो कहता फरान खड़ जो पंजाब में कांग्रेस के एक और नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पूर्व विधायक और फिरोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह जीरा के खिलाफ एक्शन लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि उन पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। हाल ही में जीरा समेत करीब 80 लोगों पर काम में बाधा डालने के चलते मामला दर्ज हुआ था। जीरा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं जीरा भी एसएसपी और मौजूदा विधायक पर जमकर बरसे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ MLA ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ MLA ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੀਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਦਾ MLA ਦੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ SSP ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ SSP ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਔਰ MLA ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ MLA ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਾ। बता दें कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के स्टाफ को काम करने से रोकने के चलते जीरा के खिलाफ कुछ दिनों पहले केस दर्ज हुआ था। स्थानीय पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार BDO की तरफ से बताया गया था कि जीरा 70 से 80 समर्थकों के साथ बुधवार को उनके दफ्तर में जबरदस्ती आ गए थे। साथ ही कांग्रेस नेता पर काम में बाधा डालने और आधिकारिक रिकॉर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। बता दें कि इससे पहले पंजाब में पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को भी गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें साल 2015 के NDPS मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी और खैरा की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया था। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार पर भी जमकर आरोप लगाए थे। जिन्दा, जिन्दा।